और अपनी काबिलियत के आधार पर, जिनका कहना था कि वो लोग कभी सेना की तरफ ठीक है अमर रहे। जनरल बिपिन रावत अमर रहे। अमर रहे। जनरल बिपिन रावत अमर रहे। अमर रहे। अमर रहे। जनरल बिपिन रावत का ये बलिदान। जनरल बिपिन रावत का ये बलिदान। अमर रहे। जनरल बिपिन रावत अमर रहे। अमर रहे। अमर रहे। जनरल बिपिन रावत का ये बलिदान। याद करेगा हिंदुस्तान। जनरल बिपिन रावत का ये बलिदान। जय। निश्चित रूप से पूरा देश गमगीन है। आज शब्द नहीं है किस तरह से बयान करें, और जो एक वातावरण है, और ख़ासकर उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड के वो यहाँ के रहने वाले थे और उत्तराखंड का नाम पूरे विश्व के अंदर उस रूप से उन्होंने अपने कार्यों के द्वारा और अनेक बार सीमाओं पर भारत का नाम उन्होंने गौरवान्वित किया। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी क्षति है और ये शब्दों से बयान नहीं हो सकती। इस प्रकार से उनका वो कथन, उनका वो बयान आज भी याद आता है कि हम पाकिस्तान की तरफ कोई भी शुरुआत नहीं करेंगे गोलीबारी की, लेकिन अगर उधर से एक भी गोली चलती है तो इधर से कितनी गोलियां चलेंगी ये मैं नहीं बता सकता। तो निश्चित रूप से उन्होंने जो सेना का मनोबल बढ़ाया, और आज यही कारण है कि सेना पूरे मनोबल के साथ काम करे, तो निश्चित रूप से आज हमने माँ गंगा से प्रार्थना की है कि जिस प्रकार से कल वो और उनकी पत्नी और अन्य लगभग जो एक दर्जन से ज़्यादा अफसर शहीद हुए हैं, उन सबको कहीं ना कहीं माँ गंगा अपने श्री चरणों में स्थान देना और उनके परिवारों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें।